टाइम्स डेली HD न्यूज। अपने हिंदू विरोधी छवि के चलते कांग्रेस पार्टी लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है। कई राज्यों में तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रही है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ नेता लगातार कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो सामूहिक रूप से संपूर्ण मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा तक के आयोजन कर चुके हैं। इंदौर में भी कांग्रेस के नेता और विधायक सार्वजनिक मंचों से जय जय सियाराम के नारे लगाने के साथ ही धार्मिक यात्राओं एवं आयोजनों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की हिंदू विरोधी छवि को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं हाल ही में युवा कांग्रेस के आयोजन के साथ ही हिंदू और हिंदुत्व के व्याख्यान मुख्य वक्ता के रूप में इंदौर आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हिंदू विरोधी बयान देकर कांग्रेस की तुष्टिकरण वाली छवि को मजबूत करते हुए स्थानीय कांग्रेस नेताओं के कांग्रेस की हिंदू विरोधी छवि सुधारने के प्रयासों को भी नुकसान पहुंचा दिया है। दुनिया के सबसे बड़े हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दीमक बताने से कांग्रेस का अल्पसंख्यक तुष्टिकरण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में तो दिग्विजय सिंह हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति तक का माखोल उड़ा चुके हैं। ऐसे में सत्ता का वनवास देख रही कांग्रेस के लिए सत्ता पाना काफी चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तो दिग्विजय सिंह को अपना नाम दिग्विजय खान करने तक का सुझाव दे चुके हैं। जहां पूर्व मुख्यमंत्री को भाजपा के नेता मिस्टर मंटाधार कहते हैं, वहीं कांग्रेस के नेता भी अब दबी जुबान में इसे स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भावना संघ विरोधी है, जहां हम लोग लड़कियों को आगे लाते हैं, महिलाओं का आरक्षण देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। ये भी एक अजीब सी बात है। एक तरफ मनुस्मृति में यहाँ भी कहा गया है कि महिलाओं का स्थान घर में है, वही मनुस्मृति में भी कहा गया कि हर परिवार में, जिस परिवार में महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। और संघ लोगों का दिमाग बिगाड़ती है, जो लोगों के गलत भावनाएं और गलत विचार उनके दिमाग में भरती है, उसको मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। और जितने लोग यहां प्रशिक्षण लेंगे उनकी जवाबदारी है कि इस प्रशिक्षण को वे अपने विधानसभा, विधानसभा से नीचे मंडल, ब्लॉक, ब्लॉक, मंडल, सेक्टर और पोलिंग बूथ तक ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले पूरा होना चाहिए। करोगे अमित भाई? जब आरएसएस ट्रेनिंग प्रचार करता है तो इसी तरह से करता था, काना भूसी करके झूठ को सच और सच को झूठ बनाने। और मोदी जी तो बोलते ही हैं, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। तो ये बात प्रचारक के रूप में ये समझाते रहे, उसकी विचारधारा में रहे। बात यही है कि आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा गालियां मैं खाऊंगा, क्योंकि आरएसएस से लड़की मैंने तुलना दीमक के साथ कर दी। ये विचारधारा की बात है। आरएसएस के लोग मुझसे बहस करें, तुम्हारा संगठन है कहां, तुम्हारा अस्तित्व कहां है, रजिस्टर्ड संस्था कहां है? ये केवल गुपचुप तरीके से काम करते हैं, हर चीज छुपे छुपे काम करेंगे, खुले आम कोई काम नहीं करेंगे, गुप्त रूप से बात करेंगे, कानाफूसी करेंगे, गलत भावना फैलाएंगे। और मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि कभी आरएसएस ने कभी संगठन के रूप में कहीं धरना दिया, कोई आंदोलन किया, कहीं किसी आम जनता या किसान और मजदूर की लड़ाई कहीं लड़ी? कभी नहीं लड़ेंगे, कभी ऊपर से नहीं आएंगे, वो हमेशा आपके घर में आएंगे। अरे भाई साहब, हम लोगों से आपने चाय नहीं पिलाई, जरा चाय तो पिलाई। अरे भैया बहुत अच्छे लोग हैं ना, हमें भोजन तो करा दिया।